वैसे दोस्तों आपको ये तो जानकारी तो मिली गई होगी कि बाबा जी के चैनल पर एक स्ट्राइक पड़ चुका है, यानी कि टेक चैंपियन सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो उनके चैनल पर स्ट्राइक पड़ चुका है तो आपको क्लियर पता हो चुका, और कहेंगे तो मुझे क्लियर पता था आप वीडियो क्यों बना रहे हो। देखिए इस वीडियो को आपको देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस वजह से उनको स्ट्राइक पड़ा है ये आप क्लियर नहीं जान पाए हो, लेकिन आप ये गलती करते हो। आप तो बस ये जानते होंगे, मैं आपको कहूँगा कि हमें जानता हूँ, क्या जानते हैं कि उनको कमेटी गाइडलाइन का स्ट्राइक पड़ा है। लेकिन कमेटी गाइडलाइन की स्ट्राइक तो पड़ा, बहुत लोग पड़ता है, अब सीधे बात है कि वो उन्होंने गाइडलाइन के खिलाफ काम किया होगा तो वीडियो उनका डिलीट हो गया होगा और क्या होगा, स्ट्राइक पड़ गया होगा, बात सब इतनी क्लियर से जानते होंगे। लेकिन क्या असलियत है क्या ऐसी, तो आप तो जानते नहीं हैं। तो इस वीडियो पुराण तक देखेंगे तो शायद आपको पूरी तरह बातें पता चल पाएगा कि किस वजह से उनके चैनल पर ऐसे तरह के स्ट्राइक आ चुके हैं, कमेटी गाइडलाइन के स्ट्राइक। अभी हाल ही में उनका एक कमेटी गाइडलाइन खत्म हुआ है जुलाई मंथ में, और उसके बाद एक नया एक कमेटी गाइडलाइन का स्ट्राइक पड़ चुका, जिसके वजह से आपको मनोज देव पड़ा, वही टेक्निकल इसराज पड़ा, और वही आपको यही टेक चैंपियन सपोर्ट, यानी तीनों लोग एक कैटेगरी में हो चुके हैं, इन लोगों को पड़ा है। और वजह कैसी है, देखिए सिंपल वजह है कि इन लोग कमेटी गाइडलाइन पढ़ने का वजह यह है कि इन्होंने एक एप्लीकेशन है बैटिंग एप्लीकेशन, उसका प्रमोशन किया था अपने वीडियो में, और इनके वीडियो पर क्या हुआ कि कमेटी गाइडलाइन की स्ट्राइक पड़ गया। अब तो कहेंगे मनोज देव के तो सीधे आप उन्होंने पब्लिश किया था, कुछ दिन उनका वीडियो चला, फिर उसके बाद स्ट्राइक पड़ा। फिर दूसरी बात फिर ये भी है कि अब इनके पर मैंने वीडियो देखा ही नहीं कब स्ट्राइक पड़ गया, कौन सी वीडियो थी। तो यही बात है कि इन्होंने अनलिस्टेड वीडियो किया था, और अनलिस्टेड में ही इन्होंने अनलिस्टेड वीडियो किया था, उसके बाद इन्हें अनलिस्ट करने के बाद उनको स्ट्राइक पड़ी थी। अब कहेंगे अनलिस्ट वीडियो पर भी स्ट्राइक पड़ेगी कमेटी गाइडलाइन का, तो बता दो यूट्यूब इस वक्त इसमें इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है, आप उसके नियम कानून के थोड़ा सा विरुद्ध काम करते हो तो आपका चैनल को बख्शेगा नहीं। आप कितना बड़ा भी टेक चैनल या कितने भी बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो, कितना बड़ा भी चैनल क्यों ना हो, फिर भी उसके चैनल पर यह पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि देखिए जो भी जिनके पर कमेटी गाइडलाइन की स्ट्राइक पड़ा है, जितने भी यूट्यूबर हैं वो सभी के सभी यूट्यूब टिप्स ही देने वाले हैं, चाहे मनोज देव हो, चाहे टेक्निकल इसरार हो, चाहे टेक चैंपियन सपोर्ट हो, तीनों लोग ही यूट्यूब टिप्स देने वाले हैं, यूट्यूब के बारे में बारीकी से जानते हैं, कहीं से भी एक भी कह सकते हैं कोई भी एक कोना कहीं भी खाली नहीं है, हर एक यानी कि पूरी तरह उनको इन्फॉर्मेशन है, पता भी है। शायद इनको वीडियो डालने से पहले भी ये चीज़ उनको जानकारी रहा ही होगा कि इनके चैनल पर भी स्ट्राइक आ सकता है, फिर भी नहीं उन्होंने ऐसा गलती कर रहे हैं। तो बता दूं कि एक चीज़ बता दूं, चाहे कितने भी बड़ा यूट्यूबर क्रिएटर क्यों ना हो, जब कमेटी गाइडलाइन का स्ट्राइक पड़ना हो ना तो पड़ ही जाता है। और कमेटी गाइडलाइन का स्ट्राइक ऐसा ही है कि आप कितना भी अपील कर लो उसको रिजेक्ट ही होना है। YouTube का कुछ एल्गोरिथम ऐसे ही बना दिया है कि उसको कितना अपील किया जाए, जो कमेटी गाइडलाइन की स्ट्राइक पड़ता है तो उसको पढ़ना है, तो उसके बाद भी वो कितना भी अपील कर लो वो हटता नहीं है। क्योंकि मेरे ही एक वीडियोस पर 2021 में मेरे एक वीडियोस पर कमेटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आया हुआ था, और आने के बाद मैंने उसको अपील किया, क्योंकि वो जिस तरह का मैं वीडियो बनाया था इंफॉर्मेटिव वीडियो था, न बैटरी एप्लीकेशन का किसी चीज़ के बारे में नहीं बताया था, फ्लिपकार्ट पर फ्रॉड के बारे में बताया था, फिर भी उस पर मेरे को कमेटी गाइडलाइन का स्ट्राइक पड़ चुका था। उसके फिर मैंने अपील किया, क्योंकि मैं एक जनरल चीज़ बताने के बाद भी मैंने किया था, और मेरे एक पुराने चैनल में बात कर रहा हूँ, दूसरे चैनल मेरा है, उस पर स्ट्राइक पड़ गया था, मैं अपील किया उसको रिजेक्ट कर दिया। तो सीधे सीधे बात है कि यूट्यूब चाहे कितना भी आप अपील करो, आपका थोड़ा गलती एक बार कमेटी गाइडलाइन का स्ट्राइक दे दिया गया है यूट्यूब की तरफ से, तो आपका रिजेक्ट ही होता है। और एक चीज़ बताओ, चाहे आप अनलिस्टेड करो चाहे प्राइवेट करो वीडियो को, आपकी वीडियो पर आप गलत है कमेटी गाइडलाइन के खिलाफ है वीडियोस बना है तो उस पर स्ट्राइक पड़ना ही पड़ना है। तो याद रखिए कि आपको वीडियोस बनाने से पहले यूट्यूब की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिएगा, कभी भी यूट्यूब की गाइडलाइन मतलब कि बैटिंग एप्लीकेशन आपके बारे में आप मत बताइएगा, ठीक ना, किसी हैकिंग के बारे में मत बताइएगा, कुछ ऐसा चीज़ें मत बताइएगा मतलब कि जो YouTube से वीडियो कैसे डाउनलोड करें, काइंड मास्टर के बिना वाटर मार्क बिना कैसे डाउनलोड करें, ऐसी चीज़ें लेकर कभी भी YouTube पर मत बताइएगा। ऐसे बताएंगे तो आपके चैनल पर कमेटी गाइडलाइन की स्ट्राइक पड़ना ही पड़ने वाला है। तो याद रखिए कि कॉपीराइट स्ट्राइक कब पड़ता है, जब दूसरा कोई देता है तो आपकी वीडियो वायरल होती तब पता चलता है, तब देता है। तो ऐसे में कमेटी गाइडलाइन की स्ट्राइक जब आपके जीरो व्यूज आ रहा है तो फिर भी तब भी पड़ सकता है, क्योंकि आप कमेटी गाइडलाइन की स्ट्राइक के खिलाफ आप काम किए तो आपको स्ट्राइक पड़ सकता है। तो यही था कुछ इन्फॉर्मेशन, तो उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन कहीं से थोड़ा बहुत नॉलेज अच्छी लगी होती है, नॉलेज अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा।